गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 7 हिंदी ग्रामर का सर्वनाम इसका डिस्क्रिप्शन कराऊंगी। इस चैप्टर में आपको सर्वनाम के बारे में बताया गया है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये आप क्लास सेकंड में भी पढ़ा है आपने, तो देखिए चलिए सबसे पहले हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। घर के आंगन में आम का एक पेड़ है। आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई बहुत कम है। आम के पेड़ का प्रत्येक भाग बहुत काम आता है। आम के पेड़ के पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। आम के पेड़ की लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए इस पे पूरे पैराग्राफ में हमने जो शब्द पढ़ा, बार बार जो रिपीट हो रहा है वो क्या है, आम। तो आम, और इसमें पैराग्राफ में संज्ञा कौन सी है, आम। तो आम की जगह पर हम बार बार जिस शब्द को बार बार बोल रहे हैं, आम 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 आम, तो इससे हमारा आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो हम आम के स्थान पर यूज करेंगे। देखो जैसे घर के आंगन में आम का एक पेड़ है, उस पर बहुत से आम लगे हुए हैं, उसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसके पत्ते हवन में यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, उसकी लकड़ी भी हवन के यज्ञ में काम लाई जाती है। अब समझे इस बात को। देखो जैसे आम आम बार बार बोलेंगे तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, और आम की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जैसे उस, उसकी, उसके, उसकी, तो ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी भाषा में होने वाले कुछ सर्वनाम जैसे हम, मैं, तुम, आप, हमारा, मेरा, तुम्हारा, आपका, हमें, मुझे, तुम्हें, आपको, वे, ये, कौन, वह, उन्हें, इन्हें, किन्हें, किसे, उसका, इनका, किनका, किसका, ये सारे क्या हैं, हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, हिंदी में तू सर्वनाम है। हिंदी में एक सर्वनाम तू भी है, बड़े ही प्यार से रिश्तों में इसका प्रयोग होता है। मतलब जब हमारे जो हम अगर रिलेशन है आपस में, उसमें हम तू करके बोलते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, बेटा तू अपना काम जल्दी पूरा कर ले, तो बेटा उसका आंसर देता है, जी माँ जी। हमें तू सर्वनाम के प्रयोग से बचना चाहिए। देखो ये बात हम हमेशा, टीचर भी आपको क्लास में बताती है, और ये बात देखो आपको बुक में भी लिखी गई है कि हमें तू शब्द का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि तू शब्द का प्रयोग कहीं पर भी उपयोग करना अच्छा नहीं लगता। तू के स्थान पर आपको एक हिंदी का दूसरा सर्वनाम है जो है आप। जो आप बोलोगे तो वो सबको बहुत अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे टीचर आपको बताती है कि आपस में आप बात करते हो तो आप करके बात करो। आप लोग हमसे छोटे हो, स्टूडेंट्स भी हमसे छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों से, आप लोगों से आप करके ही बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपसे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आप भी, आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ती है और हमारी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। आप बोलने से आपको अपनापन लगता है, और इसमें आप बोलने से आप लोगों को अच्छा फील होता है। ठीक है, तू बोलने से आपको एक रूट मतलब अजीब सा फील होता है कि आप तू क्यों बोल रहे हो, तू बोलने में हमको बहुत एक बैड सा इम्प्रेशन जाता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, और सर्वनाम शब्दों के रूप वचनों के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन, आपने हिंदी में पढ़ा है एक वचन लड़का, और उसका अगर बहुवचन हम बदलेंगे तो हो जाएगा लड़के। इस तरह की इन सेंटेंसों में संज्ञा के स्थान पर जो हम जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे वो भी हमारे क्या होंगे, एक वचन और बहुवचन में उनके अनुसार बदल जाएंगे। जैसे वह बोलते हैं, हम बोलते हैं लड़का खेल रहा है। ठीक है, लड़का खेल रहा है, तो लड़का की जगह पर हम जो सर्वनाम यूज करेंगे उसका क्या करेंगे, वह खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं तो हम बोलेंगे सेंटेंस लड़के खेल रहे हैं, लेकिन उसकी जगह अगर हम सर्वनाम यूज करेंगे लड़के की जगह तो क्या बोलेंगे, वे खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक वचन और बहुवचन के अनुसार आपका जो सर्वनाम है वो भी बदल जाता है।
ठीक है। तो आप ये जो सर्वनाम का चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना और जो मैंने समझाया है उसको अच्छे से समझना, ठीक है। ओके।